Hello students, this is Anshu from ATEC Academy. Now we come to question number 2 of the exercise 12.2. देखते हैं इसे कैसे करना है. हमें add करना है इन terms को, that means addition करनी है. Same हमें addition करने से पहले देखना पड़ेगा क्या ये like terms हैं. अगर like terms हैं तभी add होगा, like terms नहीं है तो add नहीं होगा. देखते हैं, let's see. 3mn minus 5mn, 8mn, 4mn, that means ये सारी like terms हैं, mn में है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पे given है add, तो जहां जहां पे भी comma है मुझे उसे add में change करना है. 3mn comma आ गया मतलब second term start हो गई, plus कर दो. minus 5mn comma है, plus कर दो 8mn plus minus 4mn. अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करोगे, तो ये आएगा 3mn प्लस माइनस माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस माइनस 4mn. अब इसे सॉल्व कर लो, आप क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2mn माइनस 4mn प्लस 8mn, तो क्या आ गया माइनस mn mn. आप वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया है, क्या करो आप mn अलग से ले लो, आपको पता है mn है, ये भी mn है, ये भी mn, ये भी mn. जब आप इन्हें ऐड करो तो जिसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, mn में ही आएगा. तो पहले ही आंसर लिख लो mn और न्यूमेरिकल कोफिशियंट एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दो, तो 3 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4 कर दिया. अब ये माइनस वाले अलग से कर लेती हूँ मैं, प्लस वाले अलग से कर लेती हूँ. 11 माइनस 9 mn, तो ये आराम से 11 माइनस 9 आ गया 2mn. तो अगर आपको इजीली करना है आप ऐसे ही करो इसको, आपको मालूम है लाइक टर्म्स ऐड कर रहे हो, आंसर क्या होगा उसी टर्म में होगा, उसी वेरिएबल में होगा. अगर ये mn है आंसर mn में होगा और उसके न्यूमेरिकल कोफिशियंट ब्रैकेट में ऐड कर दो. अब इसको देखते हैं, टी माइनस 8tz कोमा है प्लस कर दो, क्योंकि आपने इन टर्म्स को ऐड करना है, दैट मींस आप कोमास को एडिशन में चेंज करोगे. प्लस दिस टर्म, ये वाली टर्म 3tz माइनस z प्लस दिस टर्म z माइनस t. अब इनको ऐड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को अलग करना पड़ेगा. तो मैं ऐसा करती हूँ, t वाले टर्म्स अलग कर लेती हूँ पहले. t यहाँ पे है और t यहाँ पे है, तो t माइनस t. अब मैं क्या करती हूँ, z वाली टर्म्स अलग कर लेती हूँ, माइनस z प्लस z माइनस z प्लस z. अब tz tz माइनस 8tz प्लस 3tz, तो ये तो क्लियरली t से t कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास जीरो आ गया, जीरो. अब ये tz है, ये भी tz है, तो जो इसका आंसर होगा एडिशन के बाद किस में होगा, tz में ही होगा. आप tz को लिख लो और इसके न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स को ऐड कर दो, तो माइनस 8 प्लस 3 क्या होगा, माइनस 5. सॉरी, आंसर विल बी माइनस 5tz, राइट, ये आपका आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, थर्ड पार्ट. अब आपको इन्हें ऐड करना है, सबसे पहले हम इसके कोमास हटाते हैं. प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 माइनस प्लस 2mn. अब ये माइनस का था ना 2mn, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसको, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 2mn. और माइनस का 3, राइट. अब इसकी ब्रैकेट हटाते हैं पहले, माइनस 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2mn और ये प्लस माइनस माइनस 3, राइट. तो आपके पास ये सारा एडिशन में हो गया. अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, कर लो. माइनस 7mn प्लस 12mn प्लस 9mn माइनस 2mn. आपने mn वाली फोर टर्म्स, 1, 2, 3 और 4, देखो आपने इन फोर टर्म्स को
कलेक्ट कर लिया, -7mn +12mn +9mn -2mn, और जो कॉन्स्टेंट्स थे उन्हें अलग से कर लो, -5 +2 -8 -3, ये हो गया आपके पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं mn वाली, तो उसका आंसर किस में आने वाला है, mn में ही आने वाला है। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं, -7 +12 +9 -2, यही आएगा। तो और सेकंड वाला भी साथ में कर लेते हैं, 5 +2 -8 -3, तो ये कितना आ गया, 5 +2 7 -8 -3 -11, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7 और -2 -9 होता है, प्लस का 9 हमारे पास पहले से पड़ा है, एक 12 पड़ा है, तो आप क्या करो 9 से 9 को कैंसिल कर दो, और ये आपके पास आ गया 12mn, और 7 -11 -4, ये आपका सॉल्यूशन आ गया थर्ड पार्ट का। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, इसमें भी पहले कोमास हटाओ, a प्लस बी माइनस थ्री प्लस बी माइनस ए प्लस थ्री प्लस ए माइनस बी प्लस थ्री। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे, a a a थ्री टाइम्स है, a माइनस ए प्लस ए, ये आपने a a और a, अब b की टर्न है, b प्लस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी प्लस बी और माइनस बी। अब कॉन्स्टेंट की टर्म है माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस थ्री, दैट्स इट। अब जो इसमें आपका आंसर आने वाला है वो a में ही आएगा, पहले आप इनको कलर माइनस इन्हें कैंसिल आउट कर दो। आपको मालूम है माइनस का a प्लस के a से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आपको मालूम है माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे आपके पास बचा बी, और यहाँ पे आपके पास बचा थ्री, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट इज दिस पार्ट। अब इसे ऐड करना है तो सबसे पहले इसके कोमाज हम हटाएंगे, -12xy -13 प्लस 18 -7x -10y प्लस 8xy प्लस 4xy, राइट। तो ये आपने अपनी इक्वेशन को लिख लिया, आपने कोमास हटा दिए, प्लस लिख लिया। अब x वाली कलेक्ट कर लो, 14x, देखें और कोई x है हमारे पास, है -7x, और कोई x हमारे पास हो, नहीं है। अब हम आते हैं y पे, प्लस 10y, और कोई y चेक करो है आपके पास, यस -10y, और कोई y नहीं है। अब हम आते हैं xy पे, -12xy, और कोई xy की टर्म, यस देयर यू हैव 8xy और 4xy। तो देखें और कुछ बचा हमारे पास, ऐसी कोई टर्म जिसके ऊपर टिक ना लगा हो, ये दोनों टर्म्स हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं, -13 एंड +18, तो ये भी हो गई हमारी। एट लास्ट हमने सारी टर्म्स को नीचे उतार लिया, पर सबको हमने क्या किया है, लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लिया। अब मुझे पता है अगर ये लाइक टर्म्स हैं, इसका आंसर एक्स में ही आने वाला है, तो इसके वेरिएबल कोफिशिएंट्स को मैंने ऐड कर दिया, जो साइन थे एज इट इज दे दिए। अब इसका आंसर वाई में ही आने वाला है, वैसे तो ये कट रहे हैं, आपको पता ये जीरो वाई हो गया। अब ये आपके पास है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो इसे एक्स वाई में आंसर लिखो, और वेरिएबल्स को जो इसके कोफिशेंट्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशेंट्स, उनको आप ऐड कर दो, जिस साइन के साथ हैं एज इट इज उस साइन के साथ आपने लिख देना है। और 18 में से 13 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 5, क्योंकि 18 प्लस का है, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो सा भी साइन है वो साइन लग जाता है आपका। अब यहाँ पे आ गया 14 -7 7x, 0y, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। यहाँ पे आ गया 8 प्लस 4 12, तो ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, तो दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0xy, और बचा क्या, प्लस का 5, तो ये आपके पास आया 7x प्लस 5, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसमें भी सेम आप कोमास हटा दो और इसमें एडिशन कर दो, 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 प्लस, जहां पे देखो कोमा था मैंने प्लस कर दिया वहां पे, क्योंकि हमने क्या करना है,
टर्म्स को ऐड करना है. तो यहाँ पे आया 2m माइनस 3mn माइनस 5. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये आ गया 5m, एक लाइक टर्म. m m में देखो कोई टर्म है, 4m है माइनस 4m, और कोई टर्म है 2m है हमारे पास, और कोई टर्म है m में नहीं है. अब हम n वाली टर्म्स उठाते हैं, माइनस 7n प्लस 3n, और कोई n में टर्म है, नहीं है. अब हमारे पास आ गई एक कॉन्स्टेंट टर्म, एक कॉन्स्टेंट टर्म ये पड़ी है हमारे पास. अब सिर्फ एक टर्म बची है हमारे पास जो कि थी 3mn, तो उसे एज इट इज हम उतार लेते हैं क्योंकि उसके साथ की कोई टर्म हमारे पास नहीं है. तो अब हमारे पास यहाँ पे m में दो टर्म्स हैं. हमें पता है लाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, अगर दोनों टर्म्स m में हैं तो एडिशन करने के बाद आंसर भी m में आएगा. उसके जो कोफिशेंट्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशेंट, उसको आप जिस भी साइन के साथ लिखे हैं उस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख दो. तो ये हमारे पास 3 थे, प्लस का 2 भी है यहाँ पे, और n में कितने हैं, एक माइनस का 7 है, एक प्लस का 3 है, राइट. और ये आ गया आपके पास 2 माइनस 5 माइनस 3 है, तो आपको मालूम है 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा. सिंस 5 के साथ नेगेटिव साइन है, 5 बड़ा है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 3mn. तो यहाँ पे आपके पास आया 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 2 3, 3m, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4n, माइनस 3 माइनस 3mn. ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का. नेक्स्ट आपके पास है 4x स्क्वायर y, कोमा हटा दो प्लस कर दो, माइनस 3xy स्क्वायर, कोमा हटा दो प्लस कर दो, माइनस 5xy स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर y. सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए क्या करते हैं, 4x स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस 3xy स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y. अब आप क्या करोगे, एज यूजुअल आप अपनी लाइक टर्म्स कलेक्ट करोगे, उसके बाद एडिशन करोगे. 4x स्क्वायर y, अब कौन सी दूसरी टर्म है जिसके पास x स्क्वायर है, ये पड़ी है वो 5x स्क्वायर y. अब ये आपके पास है माइनस 3xy स्क्वायर और ये है माइनस 5xy स्क्वायर. तो जब हम इसको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर वाई में ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, आंसर में एक्स स्क्वायर वाई ही आएगा. और उसके जो कोफिशेंट, जो उसके न्यूमेरिकल कोफिशेंट है उसे ऐड कर दो, 4 प्लस 5. ऐसे ही अब आएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो आंसर एक्स वाई स्क्वायर में ही आने वाला है. और उसके न्यूमेरिकल कोफिशेंट माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 3 माइनस 5. अब ये क्या हो गया, 9 एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो गया माइनस 8 एक्स वाई स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया इस पार्ट का आंसर. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3p स्क्वायर q स्क्वायर. अब जहां कोमा है सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको प्लस में चेंज कर दोगे, माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस किया आपने. मैंने ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि आपको मालूम है वो माइनस का साइन है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया. प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस, यू नो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, देन ऐड करना है. तो लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं 3p स्क्वायर q स्क्वायर. अब p स्क्वायर q स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर, और कोई है p स्क्वायर q स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पड़ी है प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर. अब इसके बाद हम आते हैं pq पे, माइनस 4pq राइट, और pq प्लस 9pq, और देखो कोई pq वाली टर्म है, नहीं है, माइनस प्लस का 5 एंड प्लस 15. तो आप इसे ऐड करोगे, p स्क्वायर p
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का आंसर किस में आएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में. तो लिखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशियंट हैं उन्हें एज इट इज लिख दो, जो वो थे एज इट इज लिख दिए. सॉरी यहाँ पे 7 भी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में, तो आप प्लस 7 भी लिख दो. अब बचा क्या, पी क्यू, तो इसका आंसर पी क्यू में आएगा. तो आप इसमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट माइनस 4 है और एक 9 है, एज इट इज लिख दिया मैंने. प्लस 5 प्लस 15 20 होता है, राइट. अब 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 0, तो ये आ गया 0 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. और 9 माइनस 4 5, 5 पी क्यू और प्लस का 20, तो ये आंसर आया आपके पास 5 पी क्यू प्लस 20, ये आ गया आपके पास इसका आंसर. नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें अगेन आपको क्या करना है, ए बी माइनस 4 ए, जहां पे आपका कोमा है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में. प्लस 4 बी माइनस ए बी प्लस 4 ए माइनस 4 बी. अब आप क्या करोगे, एडिशन करने के लिए आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे, ए बी माइनस ए बी 4 ए माइनस 4 ए प्लस 4 ए प्लस 4 बी माइनस 4 बी. तो जैसे कि आई कैन सी कि माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, 4 ए माइनस का 4 ए प्लस का, 4 बी प्लस का 4 बी माइनस का, तो आंसर क्या आ गया आपके पास इसका, 0. नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1. आप कोमा को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हो, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आपने क्या किया, सिंपली कोमा को, कोमा की जगह आपने प्लस लगा दिया, बिकॉज हमने इन टर्म्स को ऐड करना था. तो अब हम लाइक टर्म्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर है, यस आई हैव माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन आई हैव माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ आई हैव माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर. तो अब आया कॉन्स्टेंट्स की बारी जब आती है, तो माइनस वन प्लस वन. अब आप देखो जो कैंसिल आउट होती है टर्म्स उन्हें कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन. बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस वन. तो ये था आपका लास्ट पार्ट. आई होप एडिशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है. थैंक यू सो मच.